हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में मौसम का कहर देखने को मिला। जिला में देर रात से हो रही लगातार बारिश ने तबाही मचा दी है। चंबा शहर से महज कुछ दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत पलियूर में बादल फटने के कारण भारी बारिश से साहो पलियूर नाले में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। इतना ही नहीं, एक गौशाला और एक घर भी इसकी चपेट में आ गया है। चंबा शहर से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत पलियूर में आज सुबह बादल फटने से भारी बारिश से साहो पलियूर नाले में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ गया। इससे किसानों की फसलें तो नष्ट हुई ही हैं। पलियूर के गणजी में दो कारें पानी और मलबे की चपेट में आ गईं। एक घर और गौशाला को भी इससे नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण पलियूर नाले में बढ़े जलस्तर से पेयजल पाइपलाइन भी फट गई, जिस कारण क्षेत्र के लोगों को परेशानी भी पेश आ सकती है। माना जा रहा है कि इतनी भारी मात्रा में अचानक बाढ़ का आ जाना ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने के कारण हुआ है। आपको बता दें कि पानी इतना ज्यादा आया है कि कुछ लोगों की जमीनें तक बह गईं। वहीं कहलाना नाले पर बने पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। इसकी जानकारी ग्राम पंचायत पलियूर के उप प्रधान लाल हुसैन ने दी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भारी बारिश होने के चलते नालों ने विकराल रूप धारण कर लिया है और वहीं पर कई जगह गांवों को जाने वाले रास्ते भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और लोगों की जमीनों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधान ग्राम पंचायत पलियूर व मेरे साथ हमारे ग्राम पंचायत पलियूर के प्रधान श्रीमती निर्मला देवी जी, और अभी हम वहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे हमारी पलियूर पंचायत के गणजी गांव में, जहाँ पे हमारी एक एम्बुलेंस रोड बनी थी, पंचायत द्वारा बनाई गई थी, और उसके लास्ट स्टेज पे हमारी जो गाड़ियाँ दो खड़ी थी, एक देवराज जी की और एक शफी मोहम्मद जी की, जो कि बादल फटने की वजह से ऊपर जो कलोगा गांव है वहाँ पे बादल फटा और उससे जो बाढ़ आई है और उस बाढ़ की चपेट में हमारी दो गाड़ियाँ आई हैं। और अभी जो हमारा एम्बुलेंस रोड का जो काम लगा है और उसका जो स्टैंड बनाया गया है वहाँ पे वो जो पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है, और उसी के साथ में हमारे नीचे में जो हमारे पंचायत द्वारा कूड़ेदान बनाए गए थे वो भी पूरा तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अभी हम अपनी पंचायत के विजिट के लिए निकले हैं, क्योंकि सुबह जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से हमारी पंचायत के अंदर जो लोगों के नुकसान हुए हैं उनको देखा जाएगा, और उसके साथ हमारे विभागीय तौर पे जो हमारे विभागों के नुकसान हुआ है, आईपीएच विभाग की कुछ लाइनें और कुछ स्टोर टैंक, और उसी के साथ हमारे पीडब्ल्यूडी के जो रोड का काम लगा है उनका जो नुकसान हुआ उसको देखा जाएगा, और उसी के साथ हमारे जो नीचे पीडब्ल्यूडी रोड मेन जो हमारी है उसके साथ में जो हमारे ठेकेदार का जो काम लगा था, उन्होंने जो वेस्ट वॉल लगा रखी थी उसमें जो शैटरिंग की गई थी, उनकी जो प्लेटें वगैरह जो वो नुकसान हुआ, अभी हम फील्ड में जा रहे हैं और शाम तक देखेंगे कि कितना हमारी पंचायत का नुकसान हुआ है। धन्यवाद। और विनेंद्र जमीन बनाई हुई थी और रुड़ गई, रुड़ी गई, कोई भी चारा नहीं लिया, बाण कुमान करने कोई चारा नहीं लिया। आई गरी मौका करो, दिखो क्या बन गया। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।